से रेशो से आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, आप मोटिवेट कर रही हैं, इंकरेज कर रही हैं ऐसे काम के लिए। एक और सोसाइटी में इशू भी रिसेंटली उठा है इस्लामाबाद का, जहाँ पर एक शख्स ने खातून के साथ जिस तरह का रवैया अपनाया, आपके समझ नहीं आप इशार हैं, आपके जो अल्फाज हैं वो मायने रखते हैं, क्या कहना चाहेंगी ऐसे वाकयात पर? देखिए, अल्फाज जो हैं ये हाथ रखते हैं, ये गिरेबान फाड़ देते हैं, ये पाँव रखते हैं, ये ठोकर लगा देते हैं। अल्फाजों की एक अपनी ही दुनिया होती है। तो मैं अगर इर्द गिर्द देखती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। मैं समझती थी कि कोविड के बाद, कोरोना के बाद बहुत सारे लोग, हम जैसे मैं, मुझे अपनी खामियां जो लगीं मैंने उनको दुरुस्त करने की कोशिश की, तो हम लोग बड़े बेहतर इंसान बन जाएंगे। मैंने ज़्यादातर लोगों को जहरीले बनते देखा, टॉक्सिक होते देखा, पता नहीं डेस्परेट हो गए या क्या था। हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। ये ज़िंदगी आज है कल नहीं है। तो मैं जो इर्द गिर्द देख रही हूँ, मेरे ख़्याल में जो जिस चीज़ का मुस्तहिक है उसको वो करना चाहिए, जो गलत है, जो गलती पर है उसकी तो सज़ा हर शख्स को, हर इंसान को मिलनी चाहिए।